मेरा एक पर्सनल सवाल है आपसे, वो ये कि मैंने अक्सर कई बार देखा है कि जो हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं वो इस टाइप का टेम्पो देख के तुरंत हाथ दे देते हैं। वो जब वो हाथ दे देते हैं तो क्या बातचीत होती है? हाथ दे देते हैं, लाइसेंस दिखाओ, कागज दिखाओ, आरसी दिखाओ, सिलेंडर दिखाओ, गैस सिलेंडर है नहीं है, अच्छा फिटनेस, सारे चीज मांगते हैं। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो फिर भी कुछ आगे बातचीत होती है? फिर आगे कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं। अच्छा, कि तुम्हारी गाड़ी में ये कमी है, थोड़ा बॉडी बड़ी है, हाँ। ये है वो है, कोई ना कोई कमी निकाल ही देंगे। अगर भले ही हम माल कम लोड किए हैं, हाँ। बता देंगे तुम्हारे में ओवरलोड है, कांटा कराओ ले चल के। हाँ। अच्छा, मतलब पैसे बनाने का काम। एक पुलिस वाले का हाथ लगभग आपको एक एवरेज कहूँ तो कितना महंगा पड़ जाता होगा एक पुलिस वाले का रोकना? जैसा कोई कम में मान जाता है कोई। फिर भी लगभग कितना पैसे देना पड़ता होगा? लगभग 500-200 हजार। और ये जो 500-200 हजार है ये आपकी जेब से जाते हैं या फिर आप आगे से लेते हैं? नहीं, मालिक से जाता है। मालिक से लेते हैं। मरी जाएंगे।